नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडोल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसेल सिग्नल कम स्किनर बनाया उसी के थ्रू मैं आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ। और कल के लिए मतलब 11 फरवरी 2020 के लिए मैंने इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी का बाई लेवल एंड सेल लेवल दिखाऊंगा। और रिसेंट दवा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, 100 डे मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी और कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्मेशन दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी का डायरेक्शन देखा वो भी आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। और इसके अलावा बहुत सारा चार्ट का सेटअप है, स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है जो आप लोग को स्टॉक मार्केट में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। और इसमें ये फाइल में क्या क्या है और क्या कैसे स्क्रीनिंग करना है, हाउ टू स्क्रीन, ये सब वीडियो आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये फाइल समझने के लिए आप लोग को ये फाइल का इफेक्टिवनेस कितना है और कहीं तक कितना है और कैसे इसको काम करना है, तो ये आप लोग को समझ में आ जाएगा। इसका फाइल का डाउनलोड करने का, सैम्पल फाइल डाउनलोड करने का लिंक यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये इसमें व्हाट्सएप में ग्रुप में ज्वाइन होने का लिंक भी इसमें, ये व्हाट्सएप ग्रुप में पूरा शेयर करता हूँ। अपडेट से भी व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोग फ्री ट्रायल के लिए ज्वाइन हो सकता है, उसका लिंक भी आप लोग को मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। मैंने बाई सेल लेवल में बाई लेवल सेल लेवल तीनों बाई लेवल सेल लेवल देता हूँ और बहुत सारा इंडिकेटर्स है, पैरामीटर्स है जो देख के आप लोग स्क्रीनिंग कर सकते हैं। और बाई सेल लेवल थ्री भी अलग से बनाता हूँ जिसमें अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड डिवाइड किया है। अप ट्रेंड में भी बाई सेल लेवल रखा है, डाउन ट्रेंड में भी बाई सेल रखा है। ये सब चीज़ आप लोग प्लीज़ वीडियो देख लीजिए, क्योंकि इसमें बोलूँगा तो बहुत ही टाइम चला जाएगा और इम्पोर्टेंट चीज़ दिखा नहीं पाऊंगा। तो देखिए बाई लेवल सेल लेवल को, बाई लेवल सेल लेवल वन में बाई का एंट्री लेवल बीच में रहता है, टारगेट वन से टारगेट फोर बाएँ तरफ रहता है, टारगेट फाइव से लेकर टारगेट एट दाएँ तरफ रहता है। और सेल का एंट्री लेवल बीच में रहता है, टारगेट वन से टारगेट फोर बाएँ तरफ, टारगेट फाइव से लेकर टारगेट एट दाएँ तरफ रहता है। और आप लोग को स्टॉक मार्केट ओपन होने के बाद स्टॉक कौन सा पोजीशन में वो देख लेना है। आप लोग परफॉर्मेंस वाला वीडियो देखने से आप लोग को अच्छी तरह से पता चल जाएगा और लाइव मार्केट में कैसे कौन सा पोजीशन में एंट्री लेना है। चार्ट में मैंने दिखा देता हूँ आप लोग परफॉर्मेंस, इसका परफॉर्मेंस वाला कुछ वीडियोज़ हैं वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। और इसमें इसके बाद बाई सेल लेवल टू दिखाता हूँ, ये है बाई सेल लेवल टू, मतलब बाई लेवल एंड सेल लेवल टू। कुछ कुछ आदमी का कॉन्फ्यूजन होता है बाई लेवल सेल लेवल, बाई सेल लेवल बोलने से, तो इसीलिए बाई लेवल सेल लेवल दिखाता हूँ। बाई लेवल सेल लेवल, यह है बाई लेवल सेल लेवल थ्री, इसका आर वन बाई एंड बाई का एंट्री लेवल है, एस वन सेल का एंट्री लेवल है। और इसके बाद आप लोग पिवट पॉइंट, स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट नोट कर सकता है, ये भी आप लोग को एंट्री पॉइंट बन सकता है। और बोलिंगर बैंड का अपर बैंड मिड बैंड लोअर बैंड का वैल्यू नोट कर भी एंट्री पॉइंट रख सकता है। प्राइस चैनल का अपर बैंड मिड बैंड लोअर बैंड का वैल्यू नोट कर सकता है, ये भी आप लोग को एंट्री पॉइंट हो सकता है। और टीरोन लेवल एक है, इसमें भी टॉप लाइन मिडिल लाइन बॉटम लाइन, टॉप लाइन मिडिल लाइन बॉटम लाइन का वैल्यू नोट कर सकता है, ये आप लोग को एंट्री पॉइंट हो सकता है। इसके बाद मैंने बैंक निफ्टी का दिखाऊँगा, बैंक निफ्टी का बाई ये आप लोग लाइव मार्केट में मॉनिटर करने से आप लोग को मॉनिटर करने का बहुत ही आसान हो जाएगा। ये लेवल आप फॉलो कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी फिबोनाची का लेवल दिखा दिया हूँ जब निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन दिया था। ये बाई लेवल से लेवल वन, ये बाई लेवल से लेवल टू, ये बाई लेवल से लेवल थ्री, और ये स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट, और ये प्राइस चैनल का वैल्यू, और टीरोन लेवल का वैल्यू। उसके बाद मैंने कमोडिटी दिखाता हूँ, कमोडिटी का हम लोग लाइव मार्केट में जो दिखाता हूँ एटलीस्ट ऑब्जर्व कर सकता है, मेरे को फीडबैक देख सकता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। आप लोग फीडबैक देख सकता है, आप लोग का कुछ प्रॉब्लम होता तो मेरे को जरूर फीडबैक दे सकता है।
उसके बाद कमोडिटी और कुछ बाकी रह गया। कुछ फ्यूचर्स का लेवल मैंने दिखा देता हूँ और बाय लेवल से लेवल वन दिखा देता हूँ। कुछ फ्यूचर्स का लेवल आप लोग नोट कर सकते हैं और इसको ऑब्जर्व कर सकता है। इसके बाद मैंने 100 डे मूविंग एवरेज इसका स्ट्रैटेजी दिखाऊंगा, जिस कैंडल को आज का अन्य जिस स्टॉक्स का आज का कैंडल को 100 डे मूविंग एवरेज क्रॉस किया है उसका हाई लो कल जब ब्रेक करेगा तो अच्छा मूवमेंट मिलता है। इधर देखिए कौन कौन में कट किया है, इधर अब मैंने चार्ट में भी दिखा सकता हूँ आप लोग को, लेकिन मैंने हर रोज ही दिखा देता हूँ तो इसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है। देखिए कौन कौन में इसमें ये कट किया है और इसमें और इंफाटेल में देखिए इंफाटेल में इसका हाई लो जो ब्रेक होता है जिस चीज़ का नाम का 100 डे मूविंग एवरेज आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस डे रेंज ब्रेकआउट होने से ऐसे ही कुछ प्रॉफिट आता है। एक स्ट्रैटेजी ऑलरेडी प्रीवियस रेंज एक ब्रेकआउट एक स्ट्रैटेजी है, लेकिन जब उसका हाई लो मतलब 100 डे में जब काट करता है तो उसका मतलब ये कुछ रिवर्स कर लिया 100 डे मूविंग एवरेज का सिग्निफिकेंस आप लोग जानते हैं। तो इसका जब हाई लो ब्रेक होता है तो इसका मूवमेंट अच्छा ही मिलता है, कुछ रिवर्सल आ जाता है। इसमें मादर्शन में हुआ है, इधर उधर फिर ज़्यादा में हुआ है और कुछ नहीं दिखूँगा। अब लोग जो लोग ज्वाइन हो सकते हैं पूरा फाइल मिल सकता है व्हाट्सएप ग्रुप में। इधर मैंने इंसेंट अवर ट्रेडिंग दिखाऊँगा इंसेंट अवर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इधर 4 7 कुछ दिखा देता हूँ। और एसडीजी इधर अशोक लेलैंड में और इधर फिर हुआ है एक्सिस बैंक में वन डे का हिसाब से इंसेंट अवर हुआ है इधर 7 और इधर फोर दोनों हुआ है। आप लोग को इधर दिखा देता हूँ एक्सिस बैंक में देखिए वन डे का हिसाब से इंसेंट अवर है। ये जो आज का कैंडल है अगला दिन का कैंडल का अंदर आ गया, इसका हाई लो जब ब्रेक होगा तो अच्छा मूवमेंट मिलेगा। और अब लोग इसमें NR4 NR7 भी हुआ है तो ये इस कैंडल का हाई लो ब्रेक होने से भी अच्छा मूवमेंट मिलेगा, क्योंकि ये जो NR4 मतलब ये लास्ट तीन कैंडल इसका जो अगला तीन कैंडल है इसका जो हाई लो का डिफरेंस है ये आज का डिफरेंस सबसे कम है। तो इसका हाई लो जब ब्रेक होगा तो अच्छा मूवमेंट मिलता है, इधर रेंज ब्रेकआउट होता है और NR7 भी हुआ है इसके ये छोड़ के अगला 6 कैंडल का जो हाई लो का डिफरेंस है तो ये बहुत ही अच्छा है कि एक्सिस बैंक में ये जब हाई लो ब्रेक करेगा तो अच्छा मूवमेंट देख सकता है। मैंने बीच बीच में परफॉर्मेंस वाला वीडियोस देखा देता हूँ लेकिन सभी समय नहीं हो पा रहा था होता है। इधर बाजार चार्टों में NR4 NR7 फॉर्म हुआ है, इधर बाल्किस ने इंडस्ट्रीज में वन डे का हिसाब से कम हुआ NR4 NR7 हुआ है। इधर बॉस लिमिटेड में हुआ है और इधर 2 डेज का कुछ नहीं निकला, 2 डेज का कुछ नहीं निकला इन सब दबर। जब मैंने और कुछ दिखाता हूँ और जो कैंडलस्टिक बहुत सारा कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने बना के रखा है हम लोग इधर जब फाइल मिलेगा हम लोग को देख सकते हैं अच्छी तरह से। इधर हार लॉस में कुछ बना नहीं है, लोअर लॉस इसमें बना नहीं है, लेकिन हैंगिंग मैन एक बना है हैंगिंग मैन और किसमें एशियन पेन में देखता है एशियन में। देखिए ये हैंगिंग मैन फॉर्म हुआ है, आप ट्रेंड में ये हैंगिंग मैन फॉर्म हुआ है इसका